if i were a bride-to-be these are all the products that i would definitely have in my bridal trousseau hi guys welcome back to my channel welcome back to another video i hope y'all are doing fine and title is ablok purchukyo today's video kahooni because wedding season children there are going to be a lot of weddings in the upcoming months तो मैंने सोचा कि दिस इज द राइट टाइम टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल द ब्राइड्स टू बी टुडे आई विल शेयर द प्रोडक्ट्स स्टेप बाय स्टेप जो कि आपके ब्राइडल ट्रूजो में होना चाहिए एंड दिस इज अ लुक जो मैंने यही सारे प्रोडक्ट्स यूज करके क्रिएट किया है आई एम नॉट गो गिव यू अ ट्यूटोरियल इन टुडेस वीडियो बट आई एम जस्ट गे नो शेयर द प्रोडक्ट वीडियो एंड मोस्टली सारे ही प्रोडक्ट्स अंडर बजट होने वाले हैं सो यस इफ यू आर आल्सो प्लानिंग टू बिल्ड योर ब्राइडल ट्रूजो एंड आप कंफ्यूज हो चुके आउट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट्स आपको लेने चाहिए देन दिस इज द राइट वीडियो For you and also, का पिंक फ्राइडे सेल चल रहा है सो दिसफेट टाइम फॉर यू टू गो एंड ग्राप संगील ऑफकोर्स दिस इज अन स्पॉन्सर्ड विफ दैट इज समथिंग दट यू आर इंटरस्टेड इन की टिल दी वेरी एंड बट इफ नाई चैनल हिट दैट एट सब्सक्राइब बटन नाउड फॉर द ब्लाबरिंग डाइव राइट इन ट विडियो ओके okay, सो so हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे मैं आज की वीडियो में स्किन केयर के बारे में नहीं बात करने वाली हूँ सो स्किपिंग द सी टी एम पार्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ प्राइमर्स नाउ प्राइमर क्लाब थ्री ऑप्शन फॉर यू सबसे पहले इज दिस मार्स का इट्स ग्लो ओ क्लॉक ग्रिपिंग प्राइमर नाउ मिल्क मेकअप का ग्रिपिंग प्राइमर आया था देन एल्फ ड्यूबडेट एंड देन मार्स ड्यूबडेट एंड हाउ लाइक इट इज सच अ गुड प्राइमर आज भी मैंने अपने बेस के लिए यही प्राइमर यूज किया है एंड इट एक्चुअली गिव्स यू सच अ गुड ग्रिप आपका इसके ऊपर जितने भी आप प्रोडक्ट लेन यादव को सो या वेरी वेरी गुड स्लाइटली में होना ही चाहिए इट इज सच अ गुड प्रोडक्ट सेकेंड वन आई है ऑयली स्किन गर्लीज एंड जिनके स्किन पर बहुत ज्यादा टेक्स्टर है सो आपको पोर मिनिमाइज करने के लिए ऑफकोर्स एक सिलिकोन बेस्ड प्राइमर लगेगा नाउ एव ट्राइड Of based primers, में, uh, and जो होते न, वो पिल करने लग जाते हैं so, है अच्छा है. खरीदा था एंड इट इज सच स्टील प्रोडक्ट आपके पोर्स को बहुत अच्छे से मिनिमाइज कर देता है बिल्कुल भी पिल नहीं होता एंड आपके बेस को बहुत ही मतलब एकदम स्मूथ बेस आपको दे देता है टू वर्क ओवर थर्ड इज kind of like a primer a strobe cream and you know a base prep thingy so this is the elfka halo glow लिक्विड फिल्टर नाउ इफ़ यू गाइज डोंट नो ये शार्लेट टलबेरी का हॉलीवुड फिल्टर का ड्यूप है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट एंड आई विल से दैट ब्राइडल ट्रूजो में ये प्रोडक्ट होना तो एकदम मस्ट है एंड इवन इफ यू आर प्लानिंग टू वेयर अ फुल कवरेज मैट फाउंडेशन ऑन टॉप अगर आप इसको फाउंडेशन के नीचे लगाओगे यू विल गेट दिस डूई ग्लोई फिनिश ऑन योर स्किन मैंने बहुत ज़्यादा हाईलाइटर नहीं लगाया है वेरी स्लाइटली मैंने हाईलाइटर लगाया हुआ है एंड स्टिल यू कैन सी माई एंटायर स्किन इज़ ग्लोइंग सो ब्यूटिफुली so this is a product that i would highly recommend all you brides to be to have in your trousseau okay now primers are done moving on to the foundation part now foundation killer i have three options for you guys Sabse palette and the best one yet ज दिस ये है फॉर एवर फिफ्टी टू के प्रो आर्टिस्ट अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन ना फॉर एवर फिफ्टी टू के ये वाले फाउंडेशन भी आते हैं ना इफ़ यो डू ही मेकअप पसंद है यू गो एंड गेट दैट वन बट इफ़ यूर सम मैट फाउंडेशन चाहिए सो दिस वन इज द बेस्ट मैट फाउंडेशन और एकदम फुल कवरेज है यू जस्ट नीट हाफ अ पम्पो फिट एंड पूरा फेस अच्छे से कवर हो जाता है गिविंग यू फुल कवरेज सो फॉर योर मेन इवेंट्स ये वाला फाउंडेशन बहुत अच्छा टिकेगा एंड एंड इट डज़ नॉट मूव दैट इज द बेस्ट पार्ट कि आप कितना ही स्वेट करो इफ यू आर जस्ट ब्लॉटिंग योर फेस वेल ये फाउंडेशन मूव नहीं करता है बहुत ही ज्यादा अच्छा फाउंडेशन है नाउ रिसेंट डिस्कवरी इज द स्मार्स हाई कवरेज फाउंडेशन नाउ ये भी पिछले वाले की जैसी ही फिनिश देता है आपको ऑल दो द फॉर एबो फिफ्टी टू वाला उसकी जो कंसिस्टेंसी है इट इज़ वेरी रनी एंड लाइट वेट ये थोड़ा सा थिक है इट इज लाइक अ थिक क्रीम बट ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है इट गिव्स यू अर फुल कवरेज

लूमी मैट फाउंडेशन नाउ ये एकदम कंप्लीटली मैट नहीं है आज मैंने अपनी स्किन पे यही फाउंडेशन लगाया है यू विल गेट अ विद दिस फाउंडेशन एंड ये बहुत ही ज्यादा अच्छा फाउंडेशन है इट लुक्स looks... स्किन लाइक इसकी कवरेज मीडियम बिल्डेबल कवरेज है सो इफ़ समवन जिसकी स्किन पे बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है एंड इफ़ यू आर समान जिसको फुल कवरेज फाउंडेशन उतने ज्यादा पसंद नहीं है देन दिस इज समथिंग दैट यू शुड गो फॉर ये मे बिल इनके फिटमी फाउंडेशन से थोड़ा सा ज्यादा मुझे पसंद आने लगा है बी ऑन टू कंसीलर्स नाउ हैप्शन फॉर कंसीलर्स सबसे पहले है ये लॉरियल इन्फेलेबल के कंसीलर्स आई थिंक ब्राइडल ट्रूज में तो ये कंसीलर्स होना एकदम मस्त है तो ये वाले जो कंसीलर्स है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इसका अगर आप डो फुट एप्लीकेटर भी देखोगे सो इट इज अ थिक डो फुट एप्लीकेटर एंड ये जो कंसीलर्स हैं ये एकदम फुल कवरेज कंसीलर्स हैं क्रीज नहीं करते हैं बहुत अच्छे से अंडर आइस पे भी सेट हो जाते हैं तो ये वाला कंसीलर्स तो यू शुड एप्सल्यूटली नॉट स्किप ऑन लाइक ये बहुत ही अच्छे कंसीलर्स हैं देन अनादर वन इज दिस वन फ्रॉम एल्फ नाउ यू गाइज नो के एल्फ का कैमो कंसीलर मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद है बट देन इट इज स्लाइटली टू मैट एंड बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है सो यू हैव टू वर्क वेरी वेरी क्विकली विद द कैमो कंसीलर बट ये वाला उससे थोड़ा सा बेटर है दिस इज द हाइड्रेटिंग कैमो कंसीलर नाउ इट परफॉर्म सिमिलर मीडियम टू फुल कवरेज ज है बट इट इज अ हाइड्रेटिंग वर्जन तो बहुत जल्दी ड्राई आउट नहीं होता है सो यू कैन टेक योर टाइम ब्लेंडिंग इट सो यस आज भी मैंने ये लॉरियल और एल्फा को मिक्स करके अपने अंडर आइज पे लगाया एंड यू कैन सी दैट माई अंडर आइज आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्मूद मतलब अभी तक बिल्कुल फाइन लाइंस नहीं आई हैं मूविंग ऑन टू कॉन्टोर सबसे पहले हम क्रीम प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं तो क्रीम कॉन्टोर में ये दो ऑप्शंस है मेरे पास सबसे पहला है ये रेवोल्यूशन का क्रीम कॉन्टोर तो या दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट नाउ इसका जो ये वाला शेड है ना दिस तो इज टू पिंक फॉर मी लाइक कूल टोन में है तो मेरी स्किन पे तो नहीं जाता है बट दिस कॉन्टोर वाला शेड इज सो प्रिटी एंड इसे मैंने इतनी सारी डिफरेंट स्किन टोन्स पे अप्लाई करके देखा है दिस कॉन्टोर गोज वेरी ल ऑन ऑलमोस्ट एवरी स्किन टाइप तो और ब्लेंड भी बहुत अच्छे से हो जाता है सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट अदर प्रोडक्ट एंड माई एब्सिल्यूटली फेवरेट प्रोडक्ट मतलब मैं किसी भी का भी मेकअप कर रही हूँ ना इफ आई एम डूइंग लाइक वेडिंग गेस्ट मेकअप और इवन ऑन ब्राइडल मेकअप आई यूज दिस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट ओनली दिस इज द शुगर की फेस फॉरवर्ड कॉन्टोशिक इन द शेड जीरो वन फॉन्न फर्स्ट नाउ ये लाइट मीडियम मीडियम टू डस्ट की तीनों ही स्किन टोन्स पे ये वाला शेड बहुत अच्छे से जाता है दिस इज वोट दिस शेड लुक्स लाइक एब्सोल्यूटली प्रिटी एंड बहुत ही ज़्यादा इजिली ये कॉन्ट्रास्टिक uh, ब्लेंड हो जाती है दिस इज वन ऑफ माई एब्सोल्यूटली फेवरेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम शुगर लिकुड एंड क्रीम ब्लशेज नाउ मुझे लिक्विड ब्लश पसंद है ज़्यादा कंपेयर टू क्रीम ब्लशेज तो सबसे पहले मैं आपको लिकुड ब्लश दिखाती हूँ सो दिस वन इज़ द पैकेग सारा डुई ब्लश डूई लिक्विड ब्लश एंड दिस वन इज उटफिटर no no होता है एंड दिस वन लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एकदम डूई सी ग्लोई सी फिनिश देता है इफ यू डोंट वॉन्ट टू अप्लाई हाईलाइटर तो भी ये परफेक्ट है एंड ये शाम तक टिकता है इफ़ यू टॉप ए टूट लाइक पाउडर ब्लश तब तो ये पूरे दिन टिक जाता है बिल्कुल भी मूव नहीं करता इट इज सच अ गुड प्रोडक्ट अनदर लिक्विड ब्लशेज दैट आई रियली लाइक आर फ्रॉम रेवोल्यूशन ये तीनों ही रेवोल्यूशन के सुपर डू लिक्विड ब्लशेज है नाउ ये तो ओरिजिनल पैकेजिंग है सो दिस वन इज इन देड यू गॉट मी ब्लशिंग एंड ये बहुत अच्छा शेड है फॉर मीडियम टू डार्क स्किन एंड फॉर फेयर टू मीडियम स्किन ये दोनों शेड्स बहुत अच्छे हैं ये रेवोल्यूशन एक्स रॉक्सी कलेक्शन के ब्लशेज हैं ये दोनों ना कॉम्बो में मिलते हैं आई विल लिंक इट फॉर यू डाउट

जो बनान पाउडर है इट इज नॉट वेरी वेरी डार्क ठीक है सो फॉर आस इंडियन स्किन टोन्स ये अच्छा लगेगा इट विल नॉट लीव योर स्किन वेरी येलो, ये पाउडर भी आता है पाउडर uh, होता है ना वो कभी कभी फ्लैश बैक दे, दे देता है एंड ऑल्सो ना जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है कि वो हल्का जाना white -white सा लगने लग जाता है बट दिस वन इज द परफेक्ट कलर ये सॉफ्ट लाइट एंड इफ जिनको कॉम्पैक्ट पाउडर्स पसंद है ना नो देर आर लॉर ऑफ कॉम्पैक्ट पाउडर्स इन द मार्केट बट दिस विल रिमेन माई एप्सोल्यूट फेवरेट क्योंकि इनमें बहुत अच्छा कवरेज भी है सो इफ़ यू आर लाइक नॉट डूइंग योर फुल प्रॉपर बेस तो आप सिर्फ ये कॉम्पैक्ट के साथ भी यू कैन यू नो डू योर मेकअप एंड इट लुक्स वेरी वेरी नाइस सो दिस कॉम्पैक्ट विल ऑलवेज बी माई एप्सल्यूट फेवरेट कॉम्पैक्ट पाउडर्स एंड देन यू नीट टू हैव दिस वन इन योर चूज ओ दिस इज द मिलानी का मेक इट लास्ट सेटिंग पाउडर नाउ ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है कॉम्पैक्ट फॉर्म में एंड दिस वन विल ब्लॉट योर स्किन and set your makeup. बहुत अच्छे से एंड इट विल गिव दैट ब्लरिंग इफेक्ट तो जैसे आपको मेकअप पहनने में काफ़ी टाइम हो गया है एंड यू हैव बीन स्वेटिंग और ऑयल आ रहा है आपकी स्किन पे सो यू जस्ट हैव टू डैब योर फेस विद अ टिश्यू पेपर एंड देन सेट योर मेकअप विद दिस इससे बहुत आपकी लॉन्जेविटी बढ़ जाएगी मेकअप की एंड इट विल गिव अ ब्लरिंग इफेक्ट टू योर फेस इज वेल नाउ मूविंग ऑन टू आर कॉन्ट्रोल ब्लश एंड हाईलाइटअप पाउडर फॉर्म में सो फर्स्टली गेट दिस पैलेट यह है शुगर को कॉन्ट्रोल डिफोर्स फेस पैलेट इसमें इस तरीके से आपको कॉन्ट्रोल ब्लश और हाईलाइटर मिल जाते हैं इस पैलेट में आपको तीन शेड्स मिलती हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप अपने पसंद से कोई भी शेड ले सकते हो नाउ यू गाइस कैन सी दैट आई हैव हिट पैन ऑन बोथ कंटूर एंड ब्लश एंड मैं इसके तीनों ही वेरिएंट्स ट्राई कर चुकी हूँ। तीनों ही वेरिएंट्स बहुत अच्छे हैं जस्ट दैट मुझे इस पैलेट का हाइलाइटर उतना ज्यादा पसंद नहीं आता द सेकंड पैलेट इज दिस दिस इज द माय ग्लैम का चिजल इट फेस पैलेट अगेन एंड ब्लश में एम अबाउट टू हिट पैन आई लाइक दिस पैलेट बेटर देन द शुगर पैलेट क्योंकि इसका पिगमेंटेशन भी ज्यादा अच्छा है एंड इसकी जो शेड्स है ना वो अपने इंडियन स्किन टोन्स के लिए ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है आई हैव यूज्ड इट ऑन अ वैरायटी ऑफ स्किन टोन्स इसका हाईलाइटर टूट के गिर गया था बट दैट इज नो लॉस बिकॉज इसका भी हाईलाइटर मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं था सो so, हाईलाइटर के लिए दिस इज द मे बिलीन का मास्टरक्रोम हाईलाइटर गोल्डन वेरियंट में ये इंडियन स्किन टोन्स पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बिल्कुल चंकी नहीं है एकदम स्मूद फिनिश है uh, मेरा तो टूट भी गया है सो दैट बीन सेड एन अदर पैलेट दैट आई हैव फॉर यू इज दिस वन ये है मार्स का सिटी पैराडाइज पैलेट ये वाला है इन द वेरियंट जयपुर इस साइड में यू गेट नाइन आई शेडोज एंड देन इस साइड में यू गेट अ अंटोर ब्लश बनाना पाउडर और कॉम्पैक्ट एंड देन अ हाइलाइटर न इस हाइलाइटर को छोड़ के ये पैलेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज दिस इज़ अ पिंक हाईलाइटर एंड आई डोंट नो हु वुड अप्लाई पिंक हाईलाइटर्स बिकॉज आई तो एब्सिल्यूटली डोंट लाइक पिंक हाईलाइटर्स बट दिस कॉन्टोर का शेड एंड दिस ब्लश का शेड इज सो प्रिटी इतना सुंदर लगता है एंड इट इज़ सो पिगमेंटेड द पैलेट इज़ सो पिगमेंटेड और बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है सो दिस पैलेट इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट सिर्फ फाइव हंड्रेड रुपीज़ का एंड इसमें बहुत सारे वेरियंट्स आपको मिल जाएंगे नाउ मूविंग ऑन टू आर स्प्रेस सो मेकअप के बीच में to set your makeup and also powder products apply bar to melt all the powders into your skin you need a setting spray so my favorite one is this this is the recode ka prep and prime fixer now it is supposed to be a dupe for the mac ka pre prep and prime fixer and uh, even if it is not i absolutely love this product made over wala ta, ta, i have already gotten a backup so it is a very very good product so now for fixing sprays to fix your makeup uh, so that book pura din chale first is this mask स्टील द डील मेकअप फिक्सर न अगेन ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है इसका मिस्ट बहुत ही ज्यादा फाइन है मतलब इस रेंज के प्रोडक्ट में आपको इतना फाइन मिस्ट बिल्कुल भी नहीं मिल सकता आई थिंक अगेन दिस प्रोडक्ट रिटेल्स फॉर थ्री हंड्रेड और फोर हंड्रेड रुपीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड ये आपके मेकअप को लास्ट कर देता है बिल्कुल स्मर्च प्रूफ ट्रांसफर प्रूफ बना देता है आपके मेकअप को अनादर वन सिमिलर इज दिस ये है आपका रेवोल्यूशन का कंसीलर डिफाइन इनफाइनाइट मैटिफाइंग लॉन्ग वेयर मेकअप फिक्सिंग स्प्रे नाउ इट इज सपोज्ड टू लॉक योर मेकअप फॉर 16 आवर्स एंड आई हैव स्टॉक्ड अप ऑन इट एंड हाउ दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट मेकअप फिक्सर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपके मेकअप को लॉक कर देता है सुबह से लेकर रात तक में भी यू विल नॉट हैव टू टच योर मेकअप अप दैट इज हाउ गुड दिस प्रोडक्ट इज बट ये दोनों थोड़े से मोर टूवर्ड्स द मैटिफाइंग साइड है दिस इज द पी ए सी का मेकअप फिक्सर एंड दिस वन इज सपोज टू लॉक योर मेकअप फॉर ट्वेल्व प्लस आवर्स ये आपके मेकअप को ट्रांसफर प्रूफ स्मच प्रूफ स्वेट प्रूफ बना देगा एंड इट विल यू नो एड बैक द डूनेस अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा पाउडरी हो गया है ड्राई लग रहा है और ज़्यादा ही मैट हो गया एंड यू वॉन्ट दैट डूनेस बैक टू यूर स्किन यू वॉन्ट टू यूज़ दिस फिक्सर एंड इसका जो मिस्ट है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है लुक एकदम ऐसा कंटिन्यूस मिस्ट वाला फॉर्मूला है एंड yeah. तो आई एब्सोल्यूटली लव दिस मेकअप फिक्सर नाउ मूविंग ऑन टू आर आई प्रोडक्ट्स तो सबसे पहले हम आईब्रोज से स्टार्ट करते हैं ना इफ यू लाइक टू फिल आईब्रोज विद आईब्रो डिफाइनर पेंसिल सो दिस वन फ्राम स्विस ब्यूटी इज़ हैंज डाउन द बेस्ट पेंसिल एवर मेरी जस्ट खत्म हुई है एंड आई हैव अड प्रोडक्ट देट आई हैव टू एम टी इसी लिए मैंने अभी रीपर्चेज नहीं करी है बट दैट इज हैंज डाउन द बेस्ट आई ब्रो डिफाइनर दैर आई एवर यूज पाउडर फिलिंग के लिए दिस वन फ्रॉम पी ए सी इज माई एबसोल्यूट फेवरेट पहले तो आपको इसमें चार शेड्स मिल जाते हैं सो वट एवर योर हेयर कलर इज यू कैन मैच योर आई ब्रोज परफेक्टली टू दैट एंड ऑल्सो इफ यू आर ट्रेवलिंग तो आप सिर्फ ये पैलेट कैरी कर सकते हो एंड यू कैन डू अ स्मोकी आई विद इट टू सो आई थिंक इट इज अ वेरी वर्सीटाइल पैलेट बहुत ज़्यादा

एन आदर वन दैट आई लाइक इज दिस वन फ्रॉम एल्फ ये इनका क्लियर ब्राउ लिफ्ट है इफ़ यू जस्ट वॉन दोज फ्लफी आई ब्राउ सर इज वन पैलेट जो मैं बोलूंगी कि यू नो यू मस्ट हैव एंड उसके बाद मुझे लगता तो नहीं है कि आपको किसी और आई शेडो पैलेट की नीड होगी बट इन केस यू वॉन्ट टू हैव अदर आई शेडो पैलेट यू आर एप्सोल्यूटली वेलकम टू गेट एज मनी एज यू वॉन्ट बट इस एक आई शेडो पैलेट से आपका सारा काम हो जाएगा सो दिस इज द रेवोल्यूशन की पेट्रीशिया ब्राइट के साथ जो कलेबोरेशन हुई थी उसकी रिच इन लाइफ पैलेट इसमें रिच कलर्स भी आता है विच इज मोर ऑफ कलरफुल पैलेट आप देख सकते हो इसमें आपको सारे ब्राउन मिलेंगे पिंक्स मिलेंगे मॉव्स मिलेंगे यू गेट शिमर शेड्स एंड देन यू एंड में उधर यू सी अ फ्यू पॉप ऑफ कलर्स सो इफ़ यू वांट टू यू नो ऐड दैट पॉप ऑफ कलर टू योर मेकअप तो भी इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं एंड द बेस्ट पार्ट ये बहुत ही ज़्यादा इजी टू ब्लेंड पैलेट है सो इवन इफ़ यू आर अ बिगिनर आप अपना मेकअप आराम से इससे कर सकते हो नाउ फॉर शिमर्स आई विल नॉट सजेस्ट अ पैलेट फॉर द शिमर्स क्योंकि मुझे ये पी का टावर बहुत अच्छा लगता है ना आई विल शो यू हाउ दिस टावर लुक्स लाइक सो इसमें इस तरीके के शेड्स हैं एंड दीज आर ऑल शिमर्स तो अगर आपको ग्लिटर्स नहीं पसंद हैं बट स्टिल यू वॉन्ट टू एम्प योर लुक एंड एट दैट एक्स्ट्रा ओम फैक्टर ये वो काम कर देगा एकदम ये लूज शिमर है तो आप इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो फॉर अ सटल लुक एंड यू कैन यूज़ अ पिगमेंट ग्लू आई डोंट हैव इट राइट नाउ बट आई विल लिंक इट डाउन बिलो आप वो पिगमेंट ग्लू लगा के इसको अप्लाई करो तो यू नो यू विल गेट मोर ऑफ डिफाइंड एंड मोर इंटेंस पिगमेंट ऑन योर आईज सो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है दिस तो प्रोडक्ट यू शूड डेफिनेटली हैव इसका जो जीरो वन वेरियंट है वो ब्राइडल ट्रूज हो के लिए अच्छा रहेगा बिकॉज इट हैज ऑल द शेड्स ऑफ सिल्वर शैम्पेन गोल्डन एंड वन पिंक कलर इसका जो जीरो टू है इट हैज़ मोर ऑफ ग्रीन्ज ऑरेंज रेड्स वो काम नहीं आता है ना but...

अप आफ्टर वीक और सो और उसके बाद ना उसको एकदम स्मूथ लगाना मुश्किल हो जाता है बट दिस वन इज सो गुड एंड अगर ड्रग स्टोर ऑप्शन आप देख रहे हो वन आई लाइनर दैट वॉज वेरी क्लोज टू द इंगलॉट वन इज दिस दिस इज द रिकोड का वी स्टोल द शो इन टेंस जेल आई लाइनर नाउ ये वाला मेरे पास ब्राउन में और व्हाइट में दोनों में ब्लैक मैंने इसलिए नहीं लिया था बिकॉज आई ऑलरेडी हैव द इंगलॉट वन एंड आई डिड नॉट फील द नीड टू बाई द ब्लैक वन इन द री कोड बट इफ यू डो नोट वॉन्ट टू स्पेंड यू नो टू टू थाउजेंड रुपीज फॉर वन जेल लाइनर आप ये वाला ले लो दिस वन इज फॉर सिक्स फिफ्टी फाइव रुपीज एंड सेल पे तो आपको अच्छा सस्ते में मिल जाए

परफेक्ट ब्राउन फॉर आर वाटर लाइन्स बहुत ही अच्छा ब्राउन है इफ़ यू डोंट लाइक ब्लैक वाटर लाइन क्योंकि वो ज़्यादा इंटेंस हो जाती है सो यू कैन चेक दिस वन आउट अच्छे से ब्लेंड हो जाता है अच्छे से स्वाइप हो जाता है ड्राई होने के बाद मूव नहीं करता है देन वी हैव दिस प्लम का आई स्वेयर बाय कोल काजल नाउ दिस इज माई फेवरेट ब्लैक काजल करेंटली अगेन स्मच प्रूफ है अच्छे से सेट हो जाता है ड्राई नहीं होता है एंड इट्स स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम तो मुझे बहुत पसंद है देन कलर्ड पेंसिल्स में यू कैन गेट ब्लैक ऑल्सो इन दिस बट कलर्ड मेरे पास है ये है मेरे पे नाइका की ग्लैमर आइज इन द शेड जेड जिंक्स जीरो थ्री दिस इज़ वॉट आई हैव ऑन माई वाटर लाइन करेंटली ये बहुत ही सुंदर ग्रीन है और एकदम जेल कंसिस्टेंसी है तो बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है इफ़ यू आर ट्राइंग टू ब्लेंड इट तो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है वन सेट बिल्कुल मूव नहीं करता सिमिलर इज़ दिस वन फ्रॉम रिकोड नाउ ये है रिकोड की Studio Pro कोल Kajal in the variant lit blue and again this is a very very good pencil रिकोड की पेंसिल तो बहुत अच्छे हैं इसमें तीन चार शेड have nude I have blue I have green तो मुझे पसंद है अनदर कोल्ड that you can get is this one from फ्रॉम पी एसी ये है पी एसी की लॉन्ग लास्टिंग कोल्ड पेंसिल मेरे पास न्यूड शेड में यू कैन गेट वट एवर शेड यू वॉन्ट देन आव टू मस्कारा ऑप्शन दिस वन इज द शुगर का डबल डेट एक्सट्रीम वॉल्यूम मस्कारा डूओ ना उसमें एक साइड आपको लिक्विड मस्कारा मिलता है एक साइड आपको फाइबर मिलते हैं इस तरीके के दिखते हैं ये फाइबर्स एंड वेन यू यू नो अप्लाई द लिक्विड लिक्विड मस्कारा टॉपिक अप विथ फाइबर एंड देन अपलाई अना द लेर ऑफ मस्कारा तो ये आपको इंटेंस वॉल्यूम दे देता है विदाउट फेक लैशेज सो इफ यू हैव लाइक छोटा मोटा इवेंट यू डोंट वॉन्ट टू वेर फॉलिस और इफ यू डोंट लाइक फॉल्सीज इन जनरल देन दिस इज द मस्कारा दैट यू शुड गो फॉर बट इफ़ यू वॉन्ट दिस काइंड ऑफ एन इफेक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लचरी लगता है बट देन अगैन इट इज इट इज़ नॉट लुक वेरी अनैचुरल गो फॉर दिस वन दिस इज द प्लम का लैश ड्रामा वन वन टू फोर ऑल मस्कारा ये वाला मस्कारा बहुत अच्छा है इट गिवस यू लेंथ थोड़ा बहुत वॉल्यूम सेपरेट योर लैशेज एंड टू कोट्स एंड यूल हैव लाशेज लाइक दीज एंड वोडल्स यूनिट मुझे ये मस्कारा बहुत पसंद है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव सम लाशेज एंड लाश ग्लू लैशेज के लिए आई मैजिक की आई लाशेज आर माई फेवरेट पिक्स मैंने अमेजोन से उठाई थी फॉर थ्री हंड्रेड रुपीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड यू गेट टेन पेयर सो या यू नो वट एल्स यू नीड इसका जो वेरियंट है एल ज़ीरो एट या एल ज़ीरो एट ये कुछ इस तरीके की दिखती है दीज आर लाइक शॉर्टर दोनों साइड में एंड लॉन्गर इन देंटर तो ये वाली आई लैशेज ऑलमोस्ट हर आई शेप को सूट कर जाती है एंड दे आर नॉट टू ड्रामेटिक एंड नॉट टू स्टार सटल सो आई थिंक वेडिंग फेस्टिविटीज़ के लिए दीज आर द परफेक्ट लैशेज सो एल जीरो एट फ्राम आई मैजिक इज़ समथिंग यू शुड हैव एंड देन फॉर फिक्सिंग योर लैशेज दिस इज द पी ए सी का ग्लू नाउ मिस क्लेयर का ग्लू स्विज ब्यूटी का ग्लू सारा कुछ मैं ट्राई कर चुकी हूँ बट नथिंग मैच पी एसी का लैश फिक्स है एंड एनी वेज आई थिंक इट इज अंडर फाइव हंड्रेड रुपीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो यू शूड डेफिनेटली गेट दिस लैश फिक्स है एंड नो अदर दीज वर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हैड फोर यू फॉर योर ब्राइडल ट्रूज और लिप प्रोडक्ट्स मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है ना और लिप प्रोडक्ट्स की वीडियोज मैं पहले भी बना चुकी हूँ आई विल लिंक दम इन द आई बटन एंड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि अभी नाइका की पिंक फ्राइडे सेल चल रही है आई नो यू गाइज वॉन्ट रेकमेंडेड नीचे डिस्क्रिप्शन में तो आप कर सकते हो मैंने अफोर्डेबल अंडर फाइव हंड्रेड की वीडियो बनाई थी मेकअप प्रोडक्ट्स की स्किन केयर प्रोडक्ट्स की एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स की तो वो सारी वीडियोज ही मैं नीचे लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में तो आप चेकआउट कर सकते हो एंड दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू शॉप क्योंकि अभी बहुत क्रेजी डील्स चल रही है नाइका पे सो गो एंड गेट ऑल द दफ दैट यू वॉन्ट एंड इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अनदर उन बिलो मैं बना दूंगी वो वीडियो भी एंड या आई थिंक दैट इज इट फॉर टू डेज वीडियो आई होप आपको आज का पसंद आया इफ सो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई शिली सुपर सुपर सुन इन माई नेक्स्ट टिल दिन स्टे सेल्दी बाय बाय